सभी को नमस्कार। आज जो है हम एनिमल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे सांड ग्रह यानी कि बुल शेड के बारे में। सांड का ग्रह बनाते समय निम्न बातों का ध्यान हमें रखना है, क्योंकि ये जो बुल शेड है ये आपको पता है कि सांड जो है 50% ऑफ हर्ड का होता है, तो इसमें और ये भी हमें पता है कि अगर उसके रख रखाव में, उसके फीड में, खुराक में या उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 50% हर्ड जिसको कहते हैं वो नुकसान होता है। सांड एक ताकतवर पशु होता है, अतः उसके ग्रह का निर्माण मजबूत होना चाहिए तथा छायादार होना चाहिए। सांड की कसरत हेतु उसके बाड़े में खुली जगह भी होनी चाहिए। सांड का ग्रह जब बनाते हैं तो उसका नाप 15 फुट × 10 फुट 150 वर्ग फीट जो है होगा। इसका दरवाजा 7 × 4 यानी 28 वर्ग फीट, 7 फुट ऊंचाई है, 4 चौड़ाई है। सांड ग्रह का खुला स्थान 7 मीटर × 4 मीटर होना चाहिए। 7 मीटर है ये, ध्यान रखना। 21 फुट हो गया और उधर 16 फुट, 21-16 अंदाजन। बीमार पशु कक्ष, आइसोलेशन बॉक्स, आइसोलेट करना यानी कि अलग रखना। इस कमरे में संक्रमण रोग ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जाता है। इसका माप 10 फुट × 15 फुट 150 वर्ग फीट क्षेत्र का अन्य कमरों से दूर होना चाहिए और इस कमरे का मल मूत्र की निकासी की व्यवस्था भी फार्म वाली निकासी से अलग रखें ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। कृत्रिम गर्भाधान कक्ष, अब कृत्रिम गर्भाधान कक्ष इसके लिए ये कोई कक्ष का होना तो इसमें आवश्यक नहीं है। अगर आप बुला करके किसी को आप यही करवाते हो तो अगर आपके पास ट्रेविस है तो ट्रेविस आप गाड़ लें और उसके अंदर पशु को लगाएं, उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ऊपर जो है शेड बना दें, कभी बरसात है, धूप है, इससे भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप खुद टेक्निकल हैं, हैंड हैं, फिर आपने सामान रखना है तो आवश्यक है कि उसके अंदर सामान जो है आपका AI गन है, LN2 जार है, उसके बाद में आपके पास जो भी इंसेमिनेट करने के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे आपको रखने हैं, तो वो फिर उसके लिए कक्ष की आवश्यकता पड़ती है। इस कक्ष में कृत्रिम गर्भाधान हेतु अरगड़े में ट्रेविस में संपूर्ण व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जब मादा गाय मद में हो तो इस कक्ष में लाकर कृत्रिम गर्भाधान किया जा सके। बुलक शेड, आजकल कोई इनकी विशेष आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी फार्म का सामान लाने में ले जाने अथवा कृषि कार्य हेतु रखें तो इसके लिए एक जोड़ी बैल के लिए 10 × 5 फुट का खुला हवादार कमरा तथा चारे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य में कुटी काटने का शेड, ये हमें पता ही है कि जब इतने जानवरों को रखोगे तो उसको जो है हरा चारा भी आपने काटना है, वो बरसात में भीगे नहीं, आंधी आ जाए तो ऐसा नहीं हो, तो उस पर भी एक शेड बनाना बड़ा ज़रूरी है आपको, जहां आप मशीन लगाएंगे कुट्टी काटने के लिए। यहां हम कई बार क्या हरा चारा जो सुखाया है, हरी जो ज्वार है वो सूखी हुई है, कड़बी जिसको अपने बोलते हैं उसको भी काटते हैं, तो वो भी जगह होनी चाहिए, भीगनी नहीं चाहिए, खुली जगह पे वो नहीं रहे। पशु चिकित्सालय, अब ये जो कृत्रिम गर्भाधान कक्ष है इसी के अंदर ही पशु चिकित्सालय यानी कि मेडिसिन जो रखी जा सकती हैं, ट्रेविस तो है ही, इसके अंदर ही मेडिसिन रखी जा सकती हैं, कोई अलग भी नहीं बनाएं तो ऐसा काम चल सकता है। लेकिन यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए, ये बड़े फार्म्स की आवश्यकता है, 100-200 गाय जहाँ हैं वहाँ ही अलग से बनाया जा सकता है। और गोदाम आदि, तो गोदाम तो अगर आपने ग्रेन्स रखने हैं, कंसंट्रेट रखना है उसका दाना, तो आपको वो तो चाहिए ही। इसके अलावा आपको मिनरल मिक्सचर भी लाना है, मिनरल मिक्सचर भी कहीं रखना होगा आपको, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो गोदाम स्टोर आपको चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार के स्टोरेज आप कर सकते हैं। तो ये हमने आज ये कंप्लीट कर लिया गाय के लिए जो आवास और उसकी अवस्था, हानि लाभ, पानी उसकी व्यवस्था, बुल रखने की, और ये सारे जो है हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं।
अब नेक्स्ट जो हमारा आता है बकरियों के लिए आवास, हाउसिंग फॉर गॉट। साधारणतया बकरियों भेड़ों को आवास की व्यवस्था केवल रात्रि विश्राम व सुबह शाम ही जंगली मांसाहारी पशुओं के बचाव जैसे भेड़ी आदि अथवा विपरीत मानसून कारण ही जरूरत पड़ती है, अन्यथा बकरियों तो पहाड़ों जंगलों में चरना व रहना ही पसंद करती हैं। भेड़ व बकरियां जब खुले में चरती हैं तो स्वस्थ भी रहती हैं, मांस व दूध का उत्पादन भी यदि करती हैं, यहाँ तक कि प्रजनन संबंधी व्याधियाँ भी बहुत कम होती हैं। लेकिन जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ पशुपालक की जमीन के टुकड़े होते होते चारागाह हेतु अतिरिक्त जमीन नहीं बची तथा जंगल भी कट गए, अतः बकरी पालन को भी इनके आवास हेतु सोचना पड़ा। बकरियों को जो वैज्ञानिक प्रकार से पालते हैं तो निम्न प्रकार के आवासों की आवश्यकता होती है। वो बकरियां जो प्रजनन योग्य हैं, जिनको हम डोए शेड कहते हैं, उनके लिए बनाया गया आवास डोए शेड, प्रजनन योग्य बकरियों के लिए डोए शेड, बकरे के लिए बक शेड, प्रसवितु कक्ष किडिंग शेड, किडिंग ब्याते समय, बकरियों के बच्चों के लिए किड शेड, वाटर शेड, स्टोर, मिल्किंग शेड एंड मिल्क स्टोरेज रूम। तो ये आपको भंडारण के लिए ये सारा चाहिए इसमें। अब जो है हम एरिया के वाइज लेते हैं कि एरिया कितना चाहिए हमें। बंद आवास इसमें क्लोज हाउसिंग में प्रति बकरी 1.80 वर्ग मीटर जगह अथवा 1.5 मीटर लंबा, 6.75 मीटर चौड़ा व 1.8 मीटर ऊंचे आवास की प्रति दो बकरियों के लिए आवश्यकता होती है। जब खुली आवास व्यवस्था हो तो 4.5 वर्ग मीटर प्रति बकरी हमें चाहिए। जब बकरी दूध दे रही हो तो उसके बच्चे के लिए अलग जगह उसके माँ के पैन के पास ही होनी चाहिए। दोनों के बीच में ईंटों पत्थरों लोहे के पाइप आदि से ऐसा विभाजन करें कि दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहे। बकरे का आवास दूध देने वाली बकरियों से दूर होना चाहिए। आवास का स्थान बकरियों की संख्या पर निर्भर करता है। यह आवास बांस, लकड़ी व पक्का कैसा भी हो परंतु हवादार तथा पानी के पूर्ण निकासी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यह पशु हमेशा सूखा स्थान ही पसंद करता है। छत इसकी, भेड़ व बकरियों के आवास की छत एकल ढलान की कमरे नुमा एक ही आकार की हो, ए जैसे आप समझ ही गए हैं, एक ही आकार की हो सकती है, लेकिन गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ एक आकार छत को ही एस्बेस्टस चादर द्वारा ढकी छत को ही अच्छी माना जाता है। एस्बेस्टस की चादरों की छत अच्छी मानी जाती है। शेड पूर्व पश्चिम की एक्सिस पर बने जो दोनों तरफ से एक मीटर ऊंचाई तक पक्का बना हो तथा शेष के ऊपर जाली लगी हो जिससे पशु को तेज गर्म व ठंडी हवा से बचाया जा सके तथा हवादार भी रहे। यह शेड की छत बीच में 3 से 5 मीटर ऊंची होनी चाहिए। ढलान ठीक हो तो पानी छत पर रुके नहीं। दीवारें वाल्स जहां तक हो बाहर से सफेद हो तथा अंदर से रंगीन हो ताकि शेड ठंडा रहे। प्रजनन योग्य 60 से 80 बकरियों को एक साथ चरावें, लेकिन दूध देने वाली बकरियों को अलग शेड में रखें ताकि वहां उन्हें दाना आदि दिया जा सके तथा दूध भी निकाला जा सके। दूध देने वाली बकरियों को अलग अलग भी रख सकते हैं अथवा 8 से 10 को एक साथ भी रख सकते हैं। प्रसव से 4 से 7 दिन पहले, ब्याने से पहले गर्भित बकरी को झुंड से अलग किडिंग पैन में ही रखें। 75 भेड़ बकरियों पर एक शेड जो है होना आवश्यक है। बकरियों के छोटे बच्चों को 15 से 20 की संख्या में एक शेड रख सकते हैं तथा बड़े होने पर 20 से 25 को एक साथ रख सकते हैं। आइसोलेशन पैन, अभी हमने आइसोलेशन पढ़ा, स्वस्थ बकरियों से अलग ही दूर होना चाहिए ताकि बीमारियों का संक्रमण नहीं हो, क्योंकि आपस में इनमें बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए इनका आइसोलेशन दूरी पर रखें। आकार साइज 60 से 80 बकरियों के लिए 20 मीटर लंबा, 5 से 6 मीटर चौड़ा और 3 से 5 मीटर ऊंचा, जिसमें 2 मीटर तक दीवार शेष मजबूत जाली लगी होनी चाहिए। अब ये माप जो है हमें इन्होंने दे रखे हैं, इस माप को हम पशु की किस्म, फर्श का माप, चारे के स्थल का माप और पानी के स्थल का माप, प्रति पशु जो यहाँ हमें मिला है
वयस्क मादा के लिए 1 से 1.5 मीटर, चारा स्थल जो है 40 सेंटीमीटर और पानी के लिए 4 सेंटीमीटर, गर्भित व दूध देने वाली 2 वर्ग मीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बच्चा के लिए आधा से 1 वर्ग मीटर फर्श का माप और 30 सेंटीमीटर चारे का स्थल और 3 सेंटीमीटर पानी के स्थल, और व्यस्त बकरा मेंढा 2 वर्ग मीटर, 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये बकरी के लिए आवास जो है हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम चैप्टर लेसन के अंदर हम भेड़ के लिए आवास पढ़ेंगे, क्योंकि सभी जानवरों के लिए आवास हमने जो पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।